गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में जो हम रिएक्शन या जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पैराइडेट्स का या पैराइडिक एसिड का, NaIO4, KIO4 या फिर HIO4 का। ठीक है, हम इनकी रिएक्शंस देखेंगे कि ये पैराइडेट्स, जैसे सोडियम पैराइडेट है, पोटेशियम पैराइडेट है, ये पैराइडिक एसिड है, ये किस तरह की रिएक्शंस देते हैं, ये किस तरह की रिएक्शंस देते हैं। हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको ओजोनलिसिस रिएक्शन कराई थी। ओजोनलिसिस रिएक्शन में क्या होता था, हम O3 डालते थे, चाहे रिडक्टिव क्लीवेज करें चाहे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करें, इस कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड था ये टूट जाता था। ठीक है, इस कार्बन से अलग कंपाउंड मिलता था, इस कार्बन का अलग कंपाउंड मिलता था, मतलब यहाँ का डबल बॉन्ड खत्म हो जाता था। अब हम ओजोनलिसिस क्या कर रही है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को खत्म कर रही है और नए कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड बना रही है। अब हम ओजोनलिसिस का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, कि अगर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमें ओजोनोलिसिस की जगह किसी और तरीके से खत्म करना हो तो हम कैसे खत्म करें। और इसमें काम आते हैं सोडियम पैराइडेट, पोटेशियम पैराइडेट या HIO4। देखना, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि इस कार्बन, मैं यहाँ पे कंपाउंड लेता हूँ R2CHCr2। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले इसकी क्या कर दो, OSO4 से रिएक्शन। आपको पता है OSO4 क्या बनाता है, OSO4 सिन डायोल बनाता है। OSO4 क्या बनाएगा, सिन डायोल बनाएगा OSO4। इसको सिन डायोल को मैं कैसे लिखूंगा, R2CCr2OH। ठीक है, अब क्या होगा, जो हम NaIO4 या KIO4 यूज करेंगे उससे इस सिंडायोल की क्लीवेज होगी। तो ये पैराइडेट्स किस काम आए, ये काम आते हैं क्लीवेज ऑफ सिंडायोल के। इस बात को ध्यान रखना कि ये सिंडायोल के क्लीवेज के काम आते हैं। क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा इन दोनों कार्बन के बीच का, मैकेनिज्म में देखेंगे ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए देखना इस बॉन्ड को तोड़ के इस कार्बन पे देखना R2C डबल बॉन्ड हो और इस कार्बन पे भी R2C डबल बॉन्ड हो, क्या बन जाएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स बन जाएंगे। अब इस बात को समझना, मैंने क्यों इसे ओजोनलिसिस से कंपेयर किया था। देखना, ओजोनलिसिस में क्या करना था, इस डबल बॉन्ड को तोड़ के कार्बोनिल कंपाउंड बनाना था, और यहाँ देखना, यहाँ भी आपने क्या किया, इस डबल बॉन्ड को अल्टीमेटली क्रैक कर दिया, तोड़ दिया, और इस एल्कीन को किस में बदल दिया है, कार्बोनिल कंपाउंड में। तो ये एक अल्टरनेटिव मेथड हो गया इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को खत्म करने का, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को खत्म करने का काम। ध्यान रखना, ये पैराइडेट्स या पैराइडिक एसिड क्या करता है, सिंडायोल का क्लीवेज करता है। कहीं कहीं पे ये भी लिखा होता है कि ये डायोल क्लीवेज करता है। तो ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। देखो, एल्कीन से जब एल्कोहल बनता है तो भी ऑक्सीडेशन होती है, और एल्कोहल से आपने कार्बोनिल कंपाउंड बनाया तो भी ऑक्सीडेशन ही हुई है। तो NaIO4 या KIO4 की हेल्प से हमने क्या किया है, सिंडायोल को किस में कन्वर्ट किया, कार्बोनिल कंपाउंड में, और ये रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो मैं यूं कहूंगा ये रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन में आपने ऑक्सीडेशन ऑफ 1,2-glycol किया है, या 1,2-diol को, 1,2-diol को आपने ऑक्सीडाइज किया है, किसमें, कार्बोनिल कंपाउंड्स में। और 1,2-diol की ऑक्सीडेशन कार्बोनिल कंपाउंड्स में मालाप्रेड रिएक्शन कहलाती है, मालाप्रेड रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ HIO4 और NaIO4। ठीक है, इन पैराइडेट्स की हेल्प से 1,2-diol की जो ऑक्सीडेशन होती है
कार्बोनिल कंपाउंड्स जिसमें ऑक्टेन होते हैं, ऐसी रिएक्शन को मालाप्रेड रिएक्शन कहते हैं। तो मालाप्रेड रिएक्शन क्या है? 1,2-diol का ऑक्सीडेशन कार्बोनिल कंपाउंड्स में किसकी हेल्प से? HIO4 या NaIO4, पराइडिक एसिड या पराइडेट्स की हेल्प से ये मालाप्रेड रिएक्शन कहलाती है। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें इस रिएक्शन के, तो हमें क्लीवेज किसकी करनी है? 1,2-diol की। क्लीवेज किसकी करनी है? 1,2-diol की। अच्छा, किसकी हेल्प से? मैं लेता हूँ NaIO4 की हेल्प से। तो NaIO4 को कैसे लिखूंगा? I(OO)NaO। ये NaIO4 का स्ट्रक्चर लिखा मैंने। देखना ये रिएक्शन कैसे होगी। ये रिएक्शन ऐसे होगी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ I(OO)NaO। या आयोडीन जो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की तरह बिहेव करता है, यहाँ से दोनों ऑक्सीजन के लोन पेयर कहाँ अटैक करते हैं? इस आयोडीन पे। जब यहाँ अटैक किया तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे, जब इसने यहाँ अटैक किया तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन पे। क्या बना? देखना क्या बना। ये दो कार्बन इस पे ओ, ये दोनों ऑक्सीजन किससे जुड़ गए? आयोडीन से जुड़ गए। आयोडीन पे देखना, यहाँ पे ओ नेगेटिव आएगा, यहाँ पे आया ओ नेगेटिव, और यहाँ पे दो एच लगे हैं, इन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे एक और ओ नेगेटिव आएगा, उसके बाद डबल बॉन्ड ओ और ओ एन ए। ये ओ नेगेटिव क्या करेगा? इस एच पॉजिटिव को लेगा, इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म होएगा। क्या बनेगा? देखना, ये बनेगा ये ओ ओ, ये दोनों आयोडीन से जुड़े हैं, यहाँ पे ओ एच ओ एच, डबल बॉन्ड ओ और ओ एन ए। इसके बाद मैं देखना, ये सी एच टू है, ये भी क्या है, मैंने सी एच टू लिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये जो पराआयोडेट एस्टर बना है, क्या बना है? ये पराआयोडेट एस्टर बना है, इसकी डीकम्पोजिशन होगी, इसकी डीकम्पोजिशन होगी, और डीकम्पोजिशन पे हमें क्या मिलेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड डीकम्पोजिशन। कैसे होगी इसकी डीकम्पोजिशन वो भी देखना। ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ आएगा? इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच, तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा आयोडीन पे। बाहर क्या निकल गया? बाहर निकल गया H2। बाहर जो निकल गया हमें उससे मतलब नहीं, हम इस पे ध्यान देखते हैं ये क्या बना है। देखना, CH2 डबल बॉन्ड O प्लस यहां से भी CH2 डबल बॉन्ड O। ये स्टेप किसकी प्रेजेंस में हुआ है? वाटर की प्रेजेंस में हुआ है। ये तो था NaIO4 सोडियम पराइडेट के से। देखो ये दोनों कार्बोनिल कंपाउंड बन गए, ठीक है। यहाँ पे मैं NaIO4 की जगह KIO4 ले लूँ या फिर HIO4 ले लूँ, बस मुझे क्या बदलना है? यहाँ पोटेशियम और यहाँ हाइड्रोजन को ही बदलना है, और कुछ नहीं बदलेगा। ये रिएक्शन एज सच ही प्रोसीड करती रहेगी, ये रिएक्शन एज सच ही प्रोसीड करती रहेगी। ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है। देखना बच्चों, हमने जो क्लीवेज की, हमने देखना क्या किया, हमने एक एल्कीन ली। एल्कीन में हमें पता है, हमने ओस्मियम टेट्राऑक्साइड पढ़ा था, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड से क्या बनाया? डायोल बनाया, और डायोल बना के उसकी क्लीवेज की, डायोल बना के इसकी क्लीवेज की किसकी हेल्प से? या तो इन पराआयोडेट सॉल्ट की वजह हेल्प से, या फिर इस पर आयोडिक एसिड के साथ, ठीक है। इस डायोल की क्या करेंगे? डायोल क्लीवेज, क्लीवेज टू गिव कार्बोनिल कंपाउंड, टू गिव कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पे जो आप पराआयोडेट या पराआयोडिक एसिड यूज कर रहे हो, इसके दो फंक्शन है, दो फंक्शन है, ठीक है। किसके? पराआयोडेट के और पराआयोडिक एसिड के। दो फंक्शन क्या क्या हैं? एक फंक्शन तो आपको यहीं पे दिखना है कि डायोल की क्लीवेज, पहला फंक्शन क्या है? डायोल की क्लीवेज, ये तो इसे करना ही है। दूसरा फंक्शन देखना, आपको ये पता है कि एल्कीन से OSO4 का यूज करके जब डायोल बनाया जाता है, तो ये जो OSO4 है
ये रिड्यूस हो जाता है किसमें, ओस्मियम 6 में। अभी किसमें है ये, ओस्मियम 8 में। अभी किसमें है ये, ओस्मियम 8 में। और ये रिड्यूस किसमें हो जाता है, ओस्मियम 6 में। फिर हम क्या करते हैं, आपको ध्यान होगा तो हम NMO का यूज करते हैं इसको रीऑक्सीडाइज करने के लिए। NMO को मैंने वहां पे कोऑक्सीडेंट कहा था, क्यों? NMO जब OSO4 एक बार एल्कीन से डायोल बना देता है तो OSO4 जो है रिएजेंट वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस रिएजेंट को वापस रीजनरेट करने के लिए, वापस OSO4 बनाने के लिए हम एक कोऑक्सीडेंट का यूज करते हैं, NMO का। ठीक है, इस रिएक्शन में जो कोऑक्सीडेंट का काम करता है वो काम करता है ये पाइराइडेट या पाइराइडिक एसिड। यानी यहां पे हमें NMO डालने की जरूरत नहीं है, कोऑक्सीडेंट क्या है, पाइराइडेट या पाइराइडिक एसिड। मैं लिखूंगा वर्क्स एज कोऑक्सीडेंट टू रीऑक्सीडाइज किसको, ओस्मियम 6 को, किसमें, ओस्मियम 8 में। ओस्मियम 8 में क्या होगा, OSO4 मिल जाएगा हमें वापसी। बात समझ जा, दो फंक्शन है इस पाइराइडेट या पाइराइडिक एसिड के, डायोल के क्लीवेज और एल्कीन से डायोलिन बनने के बाद जब ये डिस्ट्रॉय हो गया है जब ये ओस्मियम 6 में कन्वर्ट हो गया है, तो ओस्मियम 6 में कन्वर्ट होने के बाद ये वापस इसको किस में कन्वर्ट करेगा, ओस्मियम 8 में, यानी OSO4 में। ये दो फंक्शन होते हैं इनके। तो इसका मतलब हम यहाँ पे पढ़ तो पाइराइडेट की रिएक्शन रहे हैं, लेकिन मैं उस रिएजेंट को कैसे ले रहा हूं, OSO4 प्लस HIO4 या फिर OSO4 प्लस NaIO4। कैसे ले रहा हूं कि एल्कीन से रिएक्शन करो, इन दोनों में से कोई एक डालो और फिर इसका किस में बदल दो, कार्बोनिल कंपाउंड में बदल दो। OSO4 क्या करेगा, एल्कीन पे डायोल बनाएगा, HIO4 क्या करेगा, उस डायोल को क्लीव करके कार्बोनिल कंपाउंड बनाएगा। इस OSO4 प्लस NaIO4 या फिर KIO4, OSO4 प्लस NaIO4 या फिर OSO4 प्लस KIO4 को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लेमिक्स जॉनसन रिएजेंट कहते हैं इसको। ठीक है, नाम थोड़ा ध्यान रखना, नाम थोड़ा कभी कभी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखना बच्चों, मैंने अभी आपको ये बताया था कि ये जो HIO4 है या NaIO4 है या फिर KIO4 है, ये क्या करेगा, ये सिंडायोल की क्लीवेज करेगा। ठीक है ना, तो देखना हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि किस तरह के डायोल की ये क्लीवेज करेगा, किस तरह के नहीं। देखना, मैं एक एग्जांपल ये लेता हूँ जहाँ पे दोनों एक OH ग्रुप ऑपोजिट साइड है। एक एग्जांपल ये लेता हूँ, अगला एग्जांपल ये लेता हूँ, दोनों ऊपर ले लेता हूँ। देखना, ये दोनों सिंडायोल है, नहीं है, ये OH ऊपर है। सिंडायोल का मतलब सिस मान सकता हूँ मैं कि दोनों OH जो ग्रुप है वो सेम साइड होने चाहिए। ये दोनों OH सेम साइड नहीं है तो इनकी क्लीवेज नहीं करेगा। ये दोनों OH सेम साइड है तो इसकी क्लीवेज करेगा। ये दोनों OH सेम साइड है तो इसकी क्लीवेज करेगा। अगर इनको चेयर फॉर्म में लिख के देखना चाहूँ तो देखना इसकी चेयर फॉर्म क्या बनेगी। सबसे पहले किसको प्लेस करेंगे, इस टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को, बल्कि ग्रुप को। उसके बाद ये OH कहाँ आएगा, डाउन। ये OH कहाँ आएगा, यहाँ डाउन। और ये OH कहाँ आएगा, यहाँ अप। इसको क्लीव नहीं करेगा। इसके लिखता हूँ चेयर फॉर्म,
वन सबसे पहले बल्की ग्रुप को प्लेस करना है, फिर टू थ्री, थ्री पे ये डाउन है तो डाउन, और फोर पे ये डाउन है तो ये डाउन, इसको क्लिप करेगा। अच्छा अगला देखना, इसको कैसे लिखूंगा। सबसे पहले बल्की ग्रुप को प्लेस करना वन पे, इस बल्की ग्रुप को प्लेस किया, उसके बाद टू थ्री ये अबव है और ये भी अबव है, इसको क्लिप करेगा। तो ध्यान रखना सिंग डायोल की क्लीवेज होगी। ये कैसी डायोल है, इसको मैं एंटी डायोल लिख दूं, एंटी डायोल, एंटी डायोल की क्लीवेज, एंटी डायोल की क्लीवेज नहीं होगी, नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। आप लोगों को पता ही है मैं कुछ एग्जांपल जो ले रहा हूँ वो ओएसओ 4 प्लस एनआईओ 4 के ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये तो बात तो पता है कि ओएसओ 4 हमेशा सिन डायोल ही बनाता है, तो यहाँ पे तो आपको कोई ध्यान रखने की जरूरत है ही नहीं कि क्लीवेज होगी कि नहीं होगी। जहाँ पे सीधा आपको ऑप्शन लिख के दे दिए जाए और ये पूछा जाए कि ये आपको डायोल दे रखे हैं, बताओ इसमें पराइडेट से या पराइडिक एसिड से क्लीवेज होगी या नहीं होगी, वहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है किसी न की एंटी। जब ओएसओ 4 के साथ दे दिया तो ओएसओ 4 ऑब्वियस सी बात है सिन डायोल ही बनाएगा, और अगर सिन डायोल ही बनाएगा तो एक क्लीवेज भी करेगा, तो ये तो सिंपल सी बात है। देखना ओएसओ 4 और एनआईओ 4 डाल दूँ, तीनों चीज़ों में से कोई भी एक डाल सकता हूँ। देखना एनआईओ 4 डाल दूँ, एचआईओ 4 डाल दूँ, कहीं कहीं आपको केआईओ 4 भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्लीव करता है, क्लीव्स लेस हिंडर्ड ओलेफिन, लेस हिंडर्ड ओलेफिन प्रेफरेबली, यानी ये प्रेफर करता है लेस हिंडर्ड ओलेफिन को क्लीव करना। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, देखना अगर मैं एक एल्कीन लेता हूँ ये जिसको मैंने मोनो सब्स्टिट्यूटेड लिया है, एक एल्कीन लेता हूँ ये जिसको मैंने डाई सब्स्टिट्यूटेड लिया है, और एक एल्कीन लेता हूँ मैं ये जिसको मैंने टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड लिया है, तो ये ओलेफिन डाइओल फॉर्मेशन प्लस ये क्लीवेज किस में प्रेफर्ड होगा, प्रेफर्ड होगा इस लेस हिंडर्ड, देखो इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस इस एल्कीन पे कम है, तो यहाँ पे ये क्लीवेज प्रेफर होगा, इसमें थोड़ा कम प्रेफर होगा, और लीस्ट प्रेफर्ड इसमें होगा, लीस्ट प्रेफर्ड इसमें होगा, यानी मैं ऐसा कहूँगा कि डायोल क्लीवेज जो है वो उस एल्कीन में आसान होती है, डायोल क्लीवेज उस एल्कीन में आसान होती है जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। इसी के साथ साथ एक और पॉइंट है, पॉइंट क्या है कि जो अल्फा, जो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड होते हैं, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड होते हैं उनको प्रेफर किया जाता है क्लीवेज के लिए, उनको प्रेफर किया जाता है क्लीवेज के लिए इन कंपैरिजन टू दोज डबल बॉन्ड्स, ऐसे डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में जो किसी कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा और बीटा पोजीशन पर होते हैं। देखो डबल बॉन्ड ये भी है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, लेकिन ये डबल बॉन्ड आइसोलेटेड है, ये डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंजुगेटेड है, और कंजुगेटेड होने के साथ साथ ये वाला डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है, कंजुगेटेड एज वेल एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये कार्बोनिल क्या करेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, तो ऐसे डबल बॉन्ड को प्रेफर नहीं किया जाता जो किसी कार्बोनिल ग्रुप के साथ कंजुगेटेड हो, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को प्रेफर किया जाता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा, देखना बच्चों इस एग्जांपल को देखना, यहाँ पे मैंने एक कंजुगेटेड डबल बॉन्ड लिया है या आइसोलेटेड डबल बॉन्ड लिया है, ठीक है, ओएसओ 4 कैटालिटिक अमाउंट में डाला है, ठीक है, क्योंकि ये रीजनरेट हो ही जाता है रिएक्शन के ड्यूरेशन में, एचआईओ 4 पराइडिक एसिड डायोल क्लीवेज के लिए, ये दोनों सॉल्वेंट है, ठीक है, ये दोनों सॉल्वेंट है। अब क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, इस डबल बॉन्ड पे रिएक्शन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डबल बॉन्ड है और कंजुगेटेड है कार्बोनिल के साथ, इस डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होगी,
तो डायोल यहाँ बनेगा। देखना OSO4 क्या करेगा, डायोल बनाएगा। OSO4 क्या करेगा, यहाँ पे डायोल बनाएगा। मैं एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ। OSO4 क्या करेगा, यहाँ पे डायोल बनाएगा। अच्छा, OSO4 डायोल बनाने के बाद HIO4 क्या करेगा, यहाँ पे क्लीवेज करेगा। क्लीवेज कैसे करेगा, यहाँ से क्लीवेज करेगा, इसको डबल बॉन्ड O में बदल देगा, इसको डबल बॉन्ड O में बदल देगा। क्या बनाएगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इसका क्या बनेगा, इसका ये CH2 है तो CH2 डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा डबल बॉन्ड और CO2 ET, ये एज इट इज। तो ये एग्जांपल है जिसमें ये दिखाया गया है कि आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को कंजुगेटेड के कंपैरिजन में प्रेफर किया जाता है इस रिएक्शन में। अगला एग्जांपल देखना बच्चों। अगले एग्जांपल में मैं ये कहना चाहता हूँ या ये पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो ये रिएजेंट है, ये जो रिएजेंट है पराइडेट, ये कभी भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप को या किसी दूसरे ग्रुप को इफेक्ट नहीं करता। इसका एक सीधा सा काम है कि OSO4 का काम डबल बॉन्ड पे डायोल बनाना और NIO4 का काम उस डायोल को क्लीव करना। बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो अनअफेक्टेड रहेंगे, उन पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा, अदर फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे मैंने यहाँ पे कौन सा लिया, एसिड सेंसिटिव ग्रुप, एग्जाम्पल के लिए एसिड सेंसिटिव ग्रुप एटसेट्रा रिमेंस अनअफेक्टेड। इस बात को ध्यान रखना, किसी और दूसरे फंक्शनल ग्रुप को इफेक्ट नहीं करता, सिर्फ यहाँ पे डायोल बनाएगा और इसको क्लीव करेगा। अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लूँ रिएक्शन, तो देखना यहाँ पे OH लगेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर रिएक्शन लूँ तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, एक OH यहाँ लगेगा, एक OH यहाँ लगेगा और SiMe3 और यहाँ पे H है, और उसके बाद HIO4 क्या करेगा, NaIO4 डाला हुआ, NaIO4 क्या करेगा, यहाँ से इसकी क्लीवेज करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड O लग जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा, ऑक्सीजन। उसके बाद ये 5 मेंबर रिंग और यहाँ डबल बॉन्ड O। और अगर इस प्रोडक्ट को मुझे सीधा बनाना है तो क्या मैं ऐसा कह दूँ, यहाँ से इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो और यहाँ इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो, ऐसा ही प्रोडक्ट बनेगा। ये थोड़ा सा शॉर्ट तरीका है प्रोडक्ट को बनाने का, इस तरीके से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना बच्चों, एक चीज़ ये ध्यान देनी आपको कि जब भी यहाँ से डायोल क्लीवेज होगा, इस डायोल का जब भी क्लीवेज होगा पराइडेट या पराइडिक एसिड के प्रेजेंस में, तो कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलता। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हैं लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना सके। ये जब इस डायोल को क्लीव करेंगे तो यहाँ पे मिलने वाले प्रोडक्ट एल्डिहाइड और कीटोन ही होंगे। और ये डायोल देखना बनाया किससे था, ये डायोल मैं ऐसा कहूँ OSO4 का यूज करके एल्कीन से बनाया था। तो एल्कीन, ये OSO4 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये भी नहीं है OSO4। तो इस रिएक्शन, पूरी रिएक्शन के ड्यूरेशन में जब आपने OSO4 और ये पराइडेट वाला या पराइडिक एसिड वाला कोई कंपाउंड यूज किया है, कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा आपको, हमेशा जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो एल्डिहाइड और कीटोन। अच्छा, प्रोडक्ट बनाने का तरीका देखना, मैं ऐसा कहता हूँ कि जब इस बॉन्ड को तोड़ा, एक OH यहाँ लगाया, एक OH यहाँ लगाया, ठीक है, यहाँ से क्या लिखोगे, RCHOH, यहाँ से क्या लिखोगे, RC, दूसरा भी R है, और इस पे कितने OH लग गए, 2 OH लग गए। आपको पता है कभी भी एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H2O का लॉस होगा और क्या बनेगा, R C
एच डबल बॉन्ड हो, एल्डिहाइड बन गया। और यहाँ से देखना, यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये कीटोन बन गया। तो ये प्रोडक्ट बनाने का एक सिंपल सा तरीका है, जिसको आप अभी तक ऐसे करते थे कि इस बॉन्ड को तोड़ देते थे, यहाँ डबल बॉन्ड ओ लगा देते, यहाँ डबल बॉन्ड ओ लगा देते थे, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट बनाने का सिंपल सा तरीका है। चाहे ऐसे बना लो सीधे कि इन OH OH को ऐड नहीं किया, यहाँ सीधा डबल बॉन्ड ओ कर दिया प्रोडक्ट बन गया, और यहाँ सीधा डबल बॉन्ड ओ कर दिया प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। 1,2-diol में ये तरीका बहुत अच्छे से यूज होगा, बहुत अच्छे से काम आएगा। एक और रिएक्शन देखना, और इस रिएक्शन के बनने वाले प्रोडक्ट्स भी देखना। देखना CH2OH CHOH CHOH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब देखना, अगर मैं देखना चाहूँ तो ये भी 1,2-diol है, ठीक है। देखना चाहूँ तो ये भी 1,2-diol है। जब मैं यहाँ पे HIO4 से रिएक्शन कराऊंगा, तो क्योंकि ये 1,2-diol है, इसकी भी क्लीवेज होगी, और ये 1,2-diol है तो इसकी भी क्लीवेज होगी, ठीक है। लेकिन ये 1,2-diol नहीं है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये क्या है, ये अल्कोहल है, ठीक है। इसकी क्लीवेज नहीं होगी, इसकी क्लीवेज नहीं होगी। अब मैंने आपको प्रोडक्ट बनाने का तरीका बताया था कि एक OH यहाँ लगाओ, एक OH यहाँ लगाओ। अब इन दोनों को बॉन्ड तोड़ रहे हो, तो एक OH यहाँ लगाओ और एक OH यहाँ लगाओ, ठीक है। अब देखना बनने वाला प्रोडक्ट को देखना, यहाँ से मैं क्या लिखूँ, यहाँ से मैं ऐसा लिख दूँ CH2 और इस पर 2 OH है, और एक कार्बन पे कभी भी 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा और ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड O, या फिर इसको ऐसे लिख लूँ HCHO, ये बन गया। दूसरा प्रोडक्ट देखना, दूसरा प्रोडक्ट क्या बना, दूसरा प्रोडक्ट देखो, इस CH पे 3 OH, CH पे 3 OH, एक OH दूसरा ये OH तीसरा ये OH। अब क्या होगा, यहाँ से फिर से वाटर का लॉस, वाटर का लॉस होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, क्या आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड O और OH, और इसको अगर मैं ठीक से लिख लूँ तो ये HCOOH है, ठीक है। तीसरे प्रोडक्ट को देखना, यहीं पे लिखता हूँ तीसरा प्रोडक्ट, तीसरे प्रोडक्ट को देखना, ये ग्रुप तो हमने इफेक्ट किया नहीं, सी डबल बॉन्ड OH, यहाँ से क्या मिलेगा, इस कार्बन पे CH और इस पे कितने OH जुड़े हैं, 2 OH, 2 OH जुड़े हैं, फिर से क्या होगा, यहाँ से वाटर का लॉस होगा, वाटर के लॉस के साथ यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये फाइनल कंपाउंड क्या मिलेगा, सी डबल बॉन्ड OH, और साथ में क्या मिलेगा यहाँ पे, CH डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो टोटल यहाँ पे HIO4 के कितने मोल्स यूज हुए, देखना, एक मोल तो यहाँ से इसको क्लीव करने के लिए, एक मोल इसको क्लीव करने के लिए। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि HIO4 के इस रिएक्शन में कितने मोल यूज हो रहे हैं, तो 2 मोल यूज हो रहे हैं, 2 moles ऑफ HIO4 आर यूज टू क्लीव दीज डायोल एंड ऑब्टेन द प्रोडक्ट्स। इस चीज को ध्यान रखना। देखना बच्चों, अब हम ये पढ़ रहे थे कि HIO4 क्या करता है, HIO4 डायोल्स को क्लीव करता है, HIO4 डायोल्स को क्लीव करता है। तो डायोल क्या था, ये OH, ये OH यहाँ से इस बॉन्ड को क्लीव कर देता है, डायोल क्लीवेज करता है, डायोल की क्लीवेज करता है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये HIO4 और भी बहुत सारे कंपाउंड्स की क्लीवेज करता है। देखना OH डबल बॉन्ड OH, ये क्या हो गया, एक कार्बन पे OH है और उसके बगल वाले कार्बन पे एल्डिहाइड है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये एल्डिहाइड का कार्बन और ये अल्फा कार्बन, इसको मैं ऐसे लिख लूँ अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। और सिमिलर ऐसे ही लिखता हूँ मैं OH सी डबल बॉन्ड OR, इसको मैं लिखूँगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये इसको भी क्लीव करता है, ये इसको भी क्लीव करता है, बात समझ आ रही है।
डायोल के अलावा अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन दोनों को क्लीव करता है, और देखना किस किस को क्लीव करता है। ये 1,2-diol या 1,2-aldehydes को भी क्लीव करता है, 1,2-aldehydes को भी ये क्लीव करता है, ठीक है। इसके अलावा एक और कंपाउंड है जिसको ये क्लीव करता है, ये 1,2-ketone, 1,2-ketones को भी ये क्लीव करता है। ये इतने सारे कैटेगरी ऑफ कंपाउंड, सिर्फ ये डायोल के क्लीवेज नहीं करता, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, 1,2-aldehyde, 1,2-ketone, इन सब की क्लीवेज करता है। क्लीवेज का तरीका सेम रहेगा, यहाँ पे क्लीवेज की थी तो एक OH यहाँ लगाया, एक OH यहाँ लगाया, ऐसे ही करना, एक OH इस कार्बन पे, एक OH इस कार्बन पे, जहाँ पे भी दो OH हो गए वाटर बाहर, एक OH इस कार्बन पे, एक OH इस कार्बन पे, जहाँ पे भी दो OH हो गए वाटर बाहर, एक OH इस कार्बन पे, एक OH इस कार्बन पे, यहाँ पे भी एक OH इस कार्बन पे, एक OH इस कार्बन पे, आपके प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, कभी भी गलती नहीं होगी प्रोडक्ट्स को बनाने में, ठीक है। इसको ध्यान रखना बच्चों, बाकी काम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो रिएजेंट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेड टेट्रा एसीटेट, ठीक है। आज की क्लास में बच्चों इतना ही।